हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ पावर एंड इट्स टाइप, अथॉरिटी एंड डेलीगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी चांसेस हैं 2021 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पावर क्या है एक्चुअली? अगर आप सपोज़ करो कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी में आप क्या रोल है एज अ सिस्टम इंजीनियर, तो उस कंपनी में आप जा रहे हो, काम कर रहे हो, चले आ रहे हो। अगर उस कंपनी की हम ग्रोथ की बात करें तो वो कंपनी की ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? उस कंपनी की ग्रोथ के लिए किसी एक हायर अथॉरिटी के पास पावर होनी चाहिए जो आपका मंथली आपके काम को जज कर सके, प्रेज कर सके या आपको वर्क दे सके कि ये काम आपको इस मंथ में कंप्लीट करना है, टारगेट दे सके। तो किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए एक पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फॉर्मल जॉब डेफिनेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजी आर नॉट एनफ टू गेट द वर्क डन। मैनेजर्स मस्ट सम हाउ यूज इन्फ्लुएंस टू इनकरेज वर्कर्स टू एक्शन। अगर आपके ऊपर एक हायर अथॉरिटी नहीं रहेगी तो आप अपनी एफिशिएंसी का 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पावर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अ सक्सेस। एवरी वन हैज़ अ पावर टू आइदर पुश फॉरवर्ड और एब्स्ट्रैक्ट द गोल्स और ऑर्गेनाइजिंग बाई मेकिंग डिसीजन, डेलीगेटिंग डिसीजन और सपोर्टिंग डिसीजन। तो पावर सबके पास होती है, डिपेंड करता है कि आप उस किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस पावर का यूज़ कैसे कर रहे हैं। आप कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, कंपनी में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं अपनी पावर की, अपनी पावर का गलत यूज़ कर रहे हैं, तो पावर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं, ट्रूली सक्सेसफुल मैनेजर आर एबल टू यूज़ पावर एथिकली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बाय शेयरिंग इट। तो जो अगर आप कोई मैनेजर है कंपनी का, वो अपने पावर का सही यूज़ करता है, एथिकली यूज़ करता है, तो उससे आपका क्या होता है कि उस कंपनी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। टाइप की बात करूं कि पावर कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली मैंने 6 टाइप लिए हुए हैं। फर्स्ट आता है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर का क्या मतलब है? रिवॉर्ड पावर मतलब आपके पास इतनी पावर हो कि अगर आपके नीचे के जूनियर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनको रिवॉर्ड दे सकें। तो अ पावर कम्स फ्रॉम दिस कि आप किसी अपनी नीचे के सबॉर्डिनेट को उसके गुड वर्क के लिए आप उसको प्रेस करके रिवॉर्ड दे सकें, तो यू हैव रिवॉर्ड पावर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लेजिटिमेट पावर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेजिटिमेट पावर क्या कहता है? स्टेम्स फ्रॉम द बिलीव दैट अ पर्सन हैज़ द राइट टू इन्फ्लुएंस अदर बाई वर्च्यू ऑफ होल्डिंग अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि टीचर का स्टूडेंट के साथ है। लेजिटिमेट पावर में आपका एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे मोदी जी ने अभी कहा था थाली बजाने के लिए, ठीक है, तो मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, तो जनता उनकी बात सुनती है। तो ऐसा पावर, पावर उनकी तरफ से आना जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, जिनको आप बहुत प्रेज करते हो, तो उस पावर को आप बहुत ही ज़्यादा वेटेज दोगे। लाइक टीचर की हम बात करते हैं, टीचर ने बोल दिया है कि सब लोग अब अपने माँ बाप का पैर छू कराएंगे, तो दिस इज़ अ लेजिटिमेट पावर कि आप अपने टीचर को इतना वैल्यू करते हो कि आप उस उनकी बातों को मानोगे। थर्ड आता है पेनल्टी पावर। कम्स फ्रॉम वन एबिलिटी टू पनिश समवन एल्स फॉर नॉन कंप्लायंस। किसी की एबिलिटी कि वो उसको पनिश कर सके, जॉब से निकाल सके, तो उसको उस पावर को हम क्या बोलेंगे? पेनल्टी पावर। नेक्स्ट आता है रिसोर्स पावर। कम्स फ्रॉम द वंस एबिलिटी टू गिव समथिंग। जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्टर वगैरह की बात करते हैं तो वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप उनकी बात करो जो गरीबों को धन और गरीबों को अनाज बांटते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज की पावर होती है। फिफ्थ आता है आपका एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर मींस कम्स फ्रॉम वन एक्सपीरियंस और अ नॉलेज पावर। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज़ आपके ग्रुप में कोई फ्रेंड है जिसकी कंप्यूटर नॉलेज बहुत ही अच्छी है, मतलब वो सारे सॉफ्टवेयर को रन कर लेता है, वायरस को डिटेक्ट कर लेता है लैपटॉप के, और इंस्टॉल अनइंस्टॉल और फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से आता है, तो उसके पास एक एक्सपर्ट पावर है जिसका यूज़ आप लोग कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी उसके एक्सपर्ट पावर का यूज़ करके, क्योंकि आपके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है अगर कंप्यूटर से रिलेटेड काम कहें तो। लास्ट आता है आपका रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर में भी क्या होता है? कम्स फ्रॉम बीइंग ट्रस्टेड और अ रिस्पेक्टेड पर्सन। किसी के रेफरेंस के थ्रू जो आपको पावर मिलता है, रेफरेंट पावर मे रिजल्ट बिकॉज अदर फील फ्रेंडली टूवर्ड्स देम एंड सी मोर लाइकली टू फॉलो देयर डायरेक्शन एंड डिमॉन्स्ट्रेट लॉयल्टी टूवर्ड्स देम। तो जो आपका रेफरेंट पावर होता है वो
कि आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप उनकी डायरेक्शन को या फॉलो कर रहे हैं। रेफरेंट पावर में आप अपने पेरेंट्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर उनके पास की जो पावर है, क्योंकि वो एक ट्रस्टवर्दी और आपके वेल्शविशर हैं, तो उनकी तरफ से आपके लिए अगर कोई कोई चैलेंजिंग हुक्म आता है, जैसे कि आपको कह दिया गया कि शाम के बाद बाहर नहीं जाना है, तो वो आपकी वेल विशिंग के लिए ही आपको बाहर नहीं भेज रहे हैं कि शाम को सेफ्टी कम होती है। इस पावर को हम क्या कहते हैं? रेफरेंट पावर कहते हैं। नेक्स्ट मैं बढ़ती हूँ अथॉरिटी में। तो बेसिक डिफरेंस पावर एंड अथॉरिटी में क्या होता है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IAS प्रीलिम्स 2021 के हिसाब से। द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी कैन बी ड्रॉन क्लियरली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, लाइक पावर इज डिफाइंड एज अ एबिलिटी और अ पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर एंड कंट्रोल देयर एक्शन। अभी मैंने आपको जितने भी पांच टाइप के पावर बताए, उसमें क्या कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल की पावर ऐसी पावर है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है या दूसरों के एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो एक मैनेजर की पावर हो, चाहे वो एक लीडर की पावर हो, चाहे वो आपके घर में आपके पेरेंट्स की पावर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में किसी एक्सपर्टीज की पावर हो। बट अथॉरिटी इज वॉट अथॉरिटी इज द लीगल एंड फॉर्मल राइट टू गिव ऑर्डर एंड कमांड एंड टेक डिसीजन। जैसे कि अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं कि पुलिस आजकल जो घूम रही है, उसके पास अथॉरिटी है, पावर तो है ही है, बट उसके पास अथॉरिटी है कि वहाँ पे डंडे चला सकती है। तो सी यू नो द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी की हम जब भी बात करते हैं तो एक लीगल कॉन्सेप्ट आ जाता है या फॉर्मल राइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अथॉरिटी में कितने टाइप्स होते हैं। तो अथॉरिटी में आपके तीन टाइप्स होते हैं, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी की बात करती हूँ मैं। पहले अथॉरिटी के बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए। अथॉरिटी इज अ सीन एज द लेजिटिमेट राइट ऑफ अ पर्सन टू एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस और द लेजिटिमेट राइट टू मेक डिसीजन, टू कैरी आउट एक्शन एंड टू डायरेक्ट अदर्स। अथॉरिटी में आपका बेसिकली है कि अगर वो कोई आपको सपोज कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो आपको फॉलो ही करना है। देयर इज अ नो वर्ड से नो, बिकॉज आपको क्या है कि अगर पुलिस ने आपको दिया कि घर के अंदर जाओ और आप नहीं जाओगे तो आप पनिशेबल होगे। क्लियर है? तो एक फॉर्मल रूल्स के थ्रू आपका अथॉरिटी आता है। लाइन अथॉरिटी में बात करूं कि किसी कंपनी में जैसे आप देखो कि हायरार्की बनी होती है, जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, AGM, DGM, GM, इस तरीके से। तो ये एक चेन बना होता है, रिप्रेजेंटेड बाय अ चेन ऑफ अ कमांड एंड इंडिविजुअल पोजिशन अबव अनदर इन द हायरार्की हैज द राइट टू मेक डिसीजंस, इश्यू डायरेक्टिव एंड एक्सपर्ट कंपाइलेंस फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज। दिस इज द लोअर, नॉट लवर, दिस इज द मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हर एक इंसान की अपनी अथॉरिटी है। जैसे अगर आप क्लर्क को देखो तो क्लर्क बिल नहीं पास करता है, उसके पास उस अथॉरिटी दी गई है कि वो सबका मंथली देखेगा कि कितने लोग आए हैं, कितने लोगों की छुट्टी लगी है, छुट्टी में अगर उनकी मेडिकल लीव लगी है, मेडिकल लीव अगर उनकी ख़त्म हो गई है तो LWP लगेगी। तो ये उसकी अथॉरिटी है, मतलब उसके पास एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट बात बात करती हूँ स्टाफ अथॉरिटी की। इट इज़ अ एडवाइजरी अथॉरिटी, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ काउंसिल, एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, पीपल विद द स्टाफ अथॉरिटी डेराइव देयर पावर फ्रॉम देयर एक्सपर्ट नॉलेज एंड लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश्ड इन देयर रिलेशनशिप विद फाइन मैनेजर। स्टाफ अथॉरिटी में आपका आ जाता है कि जैसे अगर आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो जो एक एक्सपर्ट आपको एडवाइस करते हैं या एक एक्सपर्ट आप पर डिसीजन जो भी या जो भी आपकी गाइडलाइन देते हैं तो वो आपका स्टाफ अथॉरिटी में आ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ फंक्शनल अथॉरिटी की। अगर मैं फंक्शनल अथॉरिटी की बात करती हूँ तो फंक्शनल अथॉरिटी में आता है अलाउज मैनेजर टू डायरेक्ट स्पेसिफिक प्रोसेस। जैसे अगर आप HR की बात कर लेते हैं तो HR मैनेजर होता है कि किसकी कितनी सैलरी है, उसके अलावा कि अगर किसी की प्रमोशन होनी है तो किस बेसिस पर होनी है, उन्होंने साल भर क्या काम किया, उन्होंने कुछ पैरामीटर रखे। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम फंक्शनल अथॉरिटी कहते हैं। अलाउज मैनेजर टू डायरेक्ट स्पेसिफिक प्रोसेस, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज अफेक्टिंग पीपल इन अदर डिपार्टमेंट। फंक्शनल अथॉरिटी कट अक्रॉस द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, देयर इज अ स्पेस बिटवीन हायरार्किकल एंड स्ट्रक्चर। एग्जांपल आपको बता दिया HR डिपार्टमेंट। नेक्स्ट कम्स डेलीगेशन। डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस बार आ सकता है व्हाट डज द डेलीगेशन मींस या व्हाट डज द डेलीगेशन डू।
डेलीगेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके पास पावर है या अथॉरिटी है, आप उसको किसी और के साथ शेयर कीजिए या उसको सब पार्ट में वो अथॉरिटी या पावर किसी और को दीजिए। इन ऑर्डर फॉर अ मैनेजर टू अचीव गोल इन एन एफिशिएंट मैनर पार्ट ऑफ देयर वर्क, ध्यान दीजिएगा द वर्ड पार्ट, अपने वर्क का कुछ पार्ट वो किसी और को असाइन कर देते हैं अपने गोल को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया पर घर घर जाके कमांड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने चैनल्स बने हुए हैं भाई। उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद विधायक आते हैं जो आपके एरिए के फिर जो चुनाव में खड़े हुए हैं वो आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अपने पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर अपनी ड्यूटी करवाते हैं। व्हेन वर्क इज डेलीगेटेड, टास्क एंड अथॉरिटी आर ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द की टू इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ टास्क इज द ट्रांसफरेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम वन लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द लेवल टू विच द टास्क हैव बीन डेलीगेटेड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी और को अलग से टास्क नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप अपने पार्ट ऑफ द वर्क यू आर शेयरिंग विद द अदर्स। क्वेश्चन इस बार आने की पूरी पूरे चांसेस डेलीगेशन वर्ड से हैं। ऑफ कोर्स यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मेन चीज़ आपकी डेडिकेशन चाहिए, मेन चीज़ आपका डिटर्मिनेशन चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 65% लाने वाला बीटे का स्टूडेंट भी टॉप 5 रैंक स्कोर करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि मे बी वहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका मतलब मेंटल एबिलिटी भी बहुत मायने रखती है, बट IES के एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपकी हार्डवर्क काम करता है। यहाँ पर लक टाइप का कोई फैक्टर नहीं है, हार्डवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो प्लीज़ लग जाइए एग्ज़ाम में, अभी भी 8 से 9 महीने हैं, डू योर हार्डवर्क एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।